जय हिंद दोस्तों, रॉयल एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक इंडिया ने जो भी युद्ध लड़े हैं, चलिए हम सब पर एक ससरे निगाह डालते हैं। 1947 में पाकिस्तानी कबीली आई हुए, पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया, इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आज 70% जेएनके का हिस्सा हमारे पास है। 1962 आया, चीन का आक्रमण हुआ, इंडियन फोर्सेस ने लास्ट मैन टिल लास्ट बुलेट तक जवाब दिया, बट अनफॉर्चुनेटली अक्साई चीन हमें खोना पड़ा। 1965 आया, पाकिस्तान दोबारा से आक्रमण किया, इंडिया इसमें जीत गया। 1971 आया, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, इंडिया वॉन एंड टुक 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया। इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने एक साथ, पहली बार ऐसा हुआ था कि एक साथ ही तीनों फोर्सेज मिलकर के लड़ी थी। 1999 आया और कारगिल का इंट्रूजन हुआ, आर्मी एंड एयरफोर्स ने मिलकर के पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से मारा और हम वो युद्ध जीत गए। तो अभी तक सभी वॉर्स की हिस्ट्री को देखें तो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है और सबको एक साथ मिलकर के लड़ना पड़ा है। मतलब फोर्सेस में कोहेशन का होना बहुत ही जरूरी है। बॉर्डर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें एक फेमस डायलॉग है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसका मतलब यह है कि अगर हमें युद्ध में जीतना है तो हमारी सेनाओं को एक साथ मिलकर के लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस बनाया गया है और अब ज्वाइंट कमांड्स के बनाने की बातें हो रही हैं। यह पूरा वीडियो मेगा सिंह राठौर ने क्रिएट किया है और इसमें हम आपको ज्वाइंट कमांड से रिलेटेड सारी बातें बताएंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का ऑफिस है वो जल्द ही आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को मिला करके इनके ज्वाइंट कमांड्स लाएगा और इसकी शुरुआत वो एयर डिफेंस कमांड लाने से करेगा। अब ये जो बात हुई इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ज्वाइंट कमांड है क्या। तो ज्वाइंट कमांड जो है वो एक्चुअल में यूनिफाइड कमांड होता है जिसमें तीनों फोर्सेस को मिला करके, मतलब जहाँ जहाँ पर भी कमांड होंगे वहाँ पे एक सिंगल कमांडर होगा। वो किसी भी सेना से हो सकता है, चाहे एयरफोर्स का हो सकता है, आर्मी का हो सकता है या नेवी का हो सकता है, और वो जो कमांडर होगा वो पूरे यूनिफाइड कमांड को, जो कि एक ज्योग्राफिकल थिएटर होगा, उसको देखेगा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ज्योग्राफिकल थिएटर, इसका मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि वह एरिया जहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री इवेंट्स हों या हो सकते हों। अब यह थिएटर के अंदर चाहे लैंड, सी एंड एयर, जो भी वॉर ऑपरेशन से इम्पोर्टेंट हैं, सारी जगह आ जाएंगी। तो वो यूनिफाइड कमांड होता है जहाँ की सिंगल कमांडर होता है और तीनों फोर्सेस को देखता है वो। फिर इसका मतलब यह हुआ कि एक सिंगल मिलिट्री कमांडर जो होगा उसके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सारी रिसोर्सेज होंगी, ताकि वो जो भी हमारे देश के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आए या फिर इंट्रूजन आए, जो भी चीज़ें आए, उससे वो मतलब अच्छे से पंगा ले सके और मतलब उनको हम हरा सकें। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे कि ये फंक्शन ज्वाइंट कमांड का फंक्शन कैसे होता है। तो ज्वाइंट कमांड का फंक्शन जाने से पहले, तो जो कमांडर होगा, जैसे मैंने बताया, वो तीनों फोर्सेस में से किसी का भी हो सकता है, उसके पास ये फ्रीडम होगा कि उसके अंदर जो कमांड है, चाहे वो एयरफोर्स की है, आर्मी की है, नेवी की है, उनको वो आराम से ट्रेन और इक्यूब अपने मर्जी के हिसाब से कर सकता है, उस ज्योग्राफिकल थिएटर को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, उसके एक इशारे पर, उसके एक कमांड पे पूरी लॉजिस्टिक, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की होगी, वो काम करेगी। तीसरा, लेकिन ये जो ऐसा नहीं होगा कि तीनों फोर्सेस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, मतलब तीनों फोर्सेस मिलकर के एक ही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आर्मी आर्मी ही रहेगी, एयरफोर्स ही रहेगी और नेवी नेवी ही रहेगी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अभी क्या हमारे देश में ज्वाइंट कमांड्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे कंट्री में दो ज्वाइंट कमांड्स अभी तक फंक्शनल हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसको कि हम ANC भी कहते हैं, और यही ट्रूली थिएटर कमांड है जो कि फंक्शनल है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। चलिए थोड़ा इन दोनों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में अगर हम जाने, तो यह पहला और ओनली ट्रू ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऐसा ज्योग्राफिकल थिएटर या मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट का मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एरिया जहां पे मिलिट्री इवेंट्स होते हों और उसके अंदर लैंड, सी, वाटर कुछ भी हो सकते हैं। तो यह जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, फर्स्ट एंड ओनली ट्रू ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जिसका कि हेड तीनों सर्विस में से जो 3 स्टार्स ऑफिसर होते हैं वो होते हैं और रोटेशन वाइज ये होते हैं। अब
ये क्रिएट किया गया था 2001 में, मतलब 2001 में हुआ था। अब यह बना किस लिए था? साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखने के लिए, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलाका को ध्यान में रखते हुए। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जानने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो मलय पेनिनसुला जो कि मलेशिया का हिस्सा है और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है उसको जोड़ता है, और यह एक 890 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो कि हमारे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन है, और यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 60% ऑफ ट्रेड्स जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरो मार्क दिख रहा है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, तो उसको ध्यान में रख करके ही अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC कमांड बना था। और जो साउथ ईस्ट एशिया में जो भी चाइना की मतलब हड़प की नीतियां हैं जो साउथ चाइना सी में, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा अंडमान एंड निकोबार कमांड बनाया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में। तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ये कमांड जो है यह एक फंक्शनल ट्राई सर्विसेज कमांड है, यह जो है थिएटर कमांड नहीं है, फंक्शनल ट्राई सर्विसेज कमांड है जो कि अभी फंक्शनल है, और यह पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि टैक्टिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये इसको इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं, और यह NCA मतलब कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि अगर NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ने एक बार अप्रूव कर दिया कि कहीं पे एटम बॉम्ब्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स या जो भी न्यूक्लियर वॉरफेयर होना है वो अगर कहीं पर ड्रॉप करने हैं, तो एक बार ये करने के बाद से फिर किसी भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इस पे एक्शन लेगा, और यही इट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द वॉर कंसर्निंग टू न्यूक्लियर उसको लेकर के। 2003 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वाजपेयी गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है, अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या स्ट्रक्चर है हमारे देश में। ऑलरेडी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो अभी तक हम जाने अभी तक चीज़ें कैसे चलती थी। तो आर्मी के पास 7 कमांड्स हैं और उसका हेड लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और ये जो चीज़ें हैं वो आर्मी को ही रिपोर्ट करते हैं। एयरफोर्स के पास भी 7 कमांड है, उसका जो हेड होता है वो भी 3-स्टार ऑफिसर जो कि एयर मार्शल होता है, और वो सीधे एयरफोर्स हेडक्वार्टर को ही रिपोर्ट करता है। नेवी के पास 3 कमांड्स हैं, उसका जो हेड होता है वो भी 3-स्टार ऑफिसर होता है, वाइस एडमिरल उसको कहते हैं, और वो भी डायरेक्ट नेवी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है। तो ये जो कमांड्स हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, जो मैंने बताया आर्मी के 7, एयरफोर्स के 7 और नेवी के 3, ये कई सारे कमांड तो इवन सेम रीजन्स में हैं लेकिन एक साथ लोकेटेड नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अलग अलग एंटिटी के रूप में ये काम करते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, चलिए हम थोड़ा सा आगे जाने। अगर हम इस प्रोफिलेशन की आज बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आप जानिए, तो आप देखिए कि नॉर्दर्न कमांड जो आर्मी का है वो उधमपुर में है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है शिमला में है, वेस्टर्न कमांड जो है वो यहाँ पे चंडी मंदिर में है, फिर से सेंट्रल कमांड जो आर्मी का है वो लखनऊ में है, फिर से सेंट्रल ईस्टर्न कमांड जो है आर्मी का वो कोलकाता में है, और सदर्न कमांड है वो पुणे में। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो वेस्टर्न एयर कमांड है न्यू दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न कमांड यहाँ पे गांधीनगर में है, उसके बाद से आप आ जाइए ट्रेनिंग कमांड है वो बैंगलोर में है, सदर्न कमांड जो है तिरुवनंतपुरम में है, राइट, ईस्टर्न कमांड शिलोंग में है, और सेंट्रल कमांड अलाहाबाद में, और मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप AFCAT CDS NDA के एग्जाम देते हैं वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कौन सा कमांड कहाँ पे है, तो प्लीज़ इसको बार बार आप देखिएगा। फिर से अगर हम नेवी की कमांड की बात करें तो इसके पास सिर्फ 3 ही कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड जो कि ये है, ये ट्राई सर्विसेज कमांड है, ये बिल्कुल ही अलग से है। अब हम ये जानेंगे कि ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापत्तनम में है एक, फिर दूसरा वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है, और तीसरा सदर्न नेवल कमांड जो कि कोच्चि में है, तो ये 3 हो गए।
अब इन तीनों को मिलाकर के बात क्या हो रही है कि सिर्फ थिएटर कमांड बनेंगे। पहला जो कमांड बनेगा वो वेस्टर्न थिएटर कमांड बनेगा, मतलब कि उसका काम खासकर जो पाकिस्तान हो गया या जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, या फिर आप चाहे साउथ वेस्टर्न की बात करें या फिर जो भी सदर्न कमांड है उसकी बात करें, तो ये सारों को जो है ये वेस्टर्न कमांड है वो देखेगा। अब जो थिएटर कमांड है, थिएटर कमांड का क्या काम होगा, ये वेस्टर्न थिएटर कमांड का काम हो गया। अब दूसरा जो कमांड होगा थिएटर का, वो होगा ईस्टर्न थिएटर कमांड। उसका काम खासकर होगा कि चाइना की तरफ से, चाहे वहाँ का आर्मी हो एयरफोर्स हो, उसकी तरफ से अगर कोई भी थ्रेट आता है तो उससे युद्ध करना। फिर सदर्न थिएटर कमांड का काम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर के ये बनेगा, और पेनिनसुलर इंडिया, ये जो ये वाला हिस्सा आप देखते हैं ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसकी देखरेख करना है, इसका काम होगा। इसके अलावा कुछ एक और कमांड बनेंगे, ये तो तीन थिएटर कमांड होगा। उसके बाद से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड बनेगा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बनेगा जो कि न्यूक्लियर डिलीवरी ऑलरेडी है। उसके बाद से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कमांड बनेगा जो कि मैन एंड मटेरियल को मूव करने के लिए खासकर होगा। फिर से साइबर कमांड बनेगा, स्पेशल फोर्सेस कमांड बनेगा, और स्पेस कमांड बनेगा जिसमें इंटीग्रेशन होगा सैटेलाइट एसेट्स वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए जाएं, क्या इंडिया को इस ज्वाइंट कमांड की ज़रूरत है, तो हमें इसके बारे में खासकर बहुत अच्छे से देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बताया कि ज्वाइंट कमांड क्या होता है, यूनिफाइड कमांड होता है जिसका कंट्रोल एक थ्री स्टार ऑफिसर के हाथ में होता है, वो चाहे आर्मी एयरफोर्स नेवी कहीं से भी हो सकता है। अगर ऐसा हमारे इंडिया में होता है तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है कई सारे डाइवर्स रिसोर्सेज को। मतलब डाइवर्स रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि अगर युद्ध हुआ तो फिर हमें मतलब लेटर्स भेजने की या कम्युनिकेशन ये करने की आर्मी को एयरफोर्स से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो एक थ्री स्टार ऑफिसर होगा, अगर वो आर्मी का है नेवी का हो किसी का भी हो, उसके पास पूरे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स होंगे, जहां पे जैसे मन करेगा वो उसको यूज कर सकता है। दूसरा, अगर थ्री फोर्सेस को मिला करके इस टाइप के कमांड्स बनते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज से मेरे कहने का मतलब है, देखिए एयरफोर्स बिल्कुल ही एयरक्राफ्ट के लिए बनी है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, फाइटर्स हैं, इस तरह से कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, इस तरह से कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। आर्मी ने भी, आप इसको डुप्लीकेशन ही कह सकते हैं कि आर्मी में भी जो है उनकी एक अलग से एयर विंग स्टार्ट हो गई है, तो अगर ये कमांड्स बनते हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि जो एक्स्ट्रा पैसा हम डाल रहे हैं आर्मी के लिए एयर विंग ये बनाने की, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही कमांडर के अंदर ये तीनों फोर्सेस होंगी और वो आराम से चाहे एयरफोर्स का यूज़ कर सकता है या नेवी का यूज़ कर सकता है, तो ये चीज़ें ये होंगी और डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं होंगी। तीसरा जो है कि जब ऐसा होता है तो मैन जो भी फोर्सेस के बीच में, चाहे आर्मी वाले हैं एयरफोर्स वाले हैं नेवी में, उनमें आपस में कोहेशन बढ़ेगा और वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे, और इससे जो हमारी फोर्सेस होंगी उनके एस्टेब्लिशमेंट है वो मजबूत होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम ये ज्वाइंट कमांड की बात जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो पहली बार कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, तो बिल्कुल आपको घबराने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। कई सारे वर्ल्ड की मेजर मिलिट्रीज में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ऑलरेडी हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास 5 थिएटर कमांड्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड सेंट्रल। अब इसका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वही इंडिया से वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी एक्शंस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो यही करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि चाइना के बाद और किसी के पास ऐसा है, बिल्कुल सबसे अच्छी जो मिलिट्री है यूएस की है, और उसके पास 11 ज्वाइंट कमांड्स हैं। उस 11 ज्वाइंट कमांड्स में 4 जो कमांड्स हैं वो 4 फंक्शनल कमांड्स हैं। उसमें एक साइबर हो गया, दूसरा हो गया स्पेशल ऑपरेशंस, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा हो गया स्ट्रेटेजी। अब उसके पास 7 ज्योग्राफिकल कमांड हैं, जो कि हम थिएटर कमांड्स की बात कर रहे थे, वो है अफ्रीका, सेंट्रल, यूरोपियन,
इंडो पैसिफिक, नदर्न, सदर्न एंड स्पेस। तो इस तरह से आपने देखा कि चाइना के पास भी है, इवन यूके के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, वहाँ पे मतलब एक ही मिलिट्री ऑफिसर जो होता है वो ये पूरे कमांड को देखता है। तो हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उससे और ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, हमने जाना कि रिसोर्सेज भी हमारी कम लगेंगी और एक ही ऑफिसर सारे रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, उनको इक्विप कर सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है उस ज्योग्राफिकल थिएटर को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे देश में ये नेसेसिटी है कि ज्वाइंट कमांड होने चाहिए। तो ये था पूरा ज्वाइंट कमांड के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। रॉयल्स एजुकेशन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।